thank you so much for watching Rewrite and Reread. I'm your host Dr. Priyanka Momo and welcome back to Let's Get Fit Together series. इस चैनल पे हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वो बिल्कुल फ्री है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में. आपने बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुना होगा, उसके फायदे, उसका नुकसान, वो क्या होता है, किसने करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. तो ये वीडियो बनाने से पहले पिछले 8 महीने से मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, उसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो मैंने एनालाइज किए हैं, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहिए. सबसे पहले समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है. इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो पीरियड्स होते हैं. एक पीरियड जिसमें आप खाना खा सकते हैं, उसको बोलते हैं ईटिंग विंडो. दूसरा पीरियड होता है जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना होता है, उसको बोलते हैं फास्टिंग विंडो. अब बहुत लोग बोलते हैं हम तो फास्ट करते ही है, लेकिन रिलीजियस फास्टिंग में और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताती हूँ. रिलीजियस फास्टिंग में हम ड्यूरिंग फास्ट हम खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, या फिर कोई भी चीजें जो अलाउड है वो सब खा सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, हमारा पेट पूरी तरह से खाली नहीं रहता. लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, जो फास्टिंग विंडो होता है उसमें आप एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं खा सकते. आप पानी बहुत सारा पी सकते हो, आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो विदाउट शुगर, या फिर ग्रीन टी पी सकते हो, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते. बहुत सारे वीडियोस में बोलते हैं कि ईटिंग विंडो में आप कुछ भी चाहिए वो खा सकते हो, जितना चाहे उतना खाओ, और फिर फास्टिंग विंडो में कुछ मत खाओ तो वो बैलेंस हो जाता है. लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का. मैं हमेशा ही बैलेंस डाइट प्रमोट करती हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ईटिंग विंडो में बैलेंस डाइट ही कर ले. इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग का मेन पर्पस होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम आराम दे, उसको और बेहतर काम करने की अपॉर्चुनिटी दे, ना कि कुछ भी खाओ और कुछ भी पचाओ. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप ऐसे कर रहे हो कि ईटिंग पीरियड में कुछ भी खा रहे हो और फिर फास्टिंग पीरियड में कुछ नहीं खा रहे हो ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है. इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग के सारे फायदे आपको नहीं हो पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो 1 घंटे में 1 स्वेटर बुन सकता है, और ऐसे वो दिन के 15 घंटे काम करके 15 स्वेटर बुन सकता है. लेकिन किसी वजह से उसको अगर 15 मिनट में 1 स्वेटर बुनना पड़े और पूरे दिन में 40 से 50 स्वेटर उसको बुनने हो, तो वो उसकी कैपेसिटी के बाहर जाता है. ऐसी कंडीशन में आप इमेजिन करो कि वो स्वेटर की क्वालिटी कितनी खराब हो सकती है, या उसकी क्वालिटी रहेगी या नहीं. और एक इंसान इतना काम कितने देर तक, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक कर सकता है, वो आखिर में थक के टूट जाएगा, वो ये काम नहीं कर पाएगा. वैसे ही हमारा पेट है, हम बार बार जो खाना खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, या फिर जंक फूड खाते हैं, तो हमारा पेट 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या कुछ महीनों के लिए डाइजेस्ट कर सकता है. लेकिन उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर खाना हम उसको देते रहे, बार बार देते रहे, तो आपको क्या लगता है हमारी बॉडी कितने दिन हेल्दी रह पाएगी. एस्पेशली रात के टाइम जब हम हैवी खाना खाते हैं तो हम तो सो जाते हैं, हमारे बाकी के ऑर्गन्स रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा पेट कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. वैसे ही हम सुबह उठते हैं और तुरंत हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हमारा पेट रेस्ट कब करेगा. ऐसे ही अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूअसली काम करती रही, उसको कभी भी आराम हमने नहीं लिया, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती है. लेकिन जो भी खाना खा रहे हैं वो फैट्स में कन्वर्ट होकर हमारा मोटापा बढ़ते जाता है. इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग विंडो का पर्पस ही यही है कि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा तो रेस्ट दे, उसको रिकवर होने का, रिजुविनेट होने का चांस दे, ताकि वो बेटर वे में काम कर सके. वैसे ही अगर ईटिंग पीरियड में, ईटिंग विंडो में हमने बहुत जंक खाया, बहुत हैवी खाना खाया हो, ओवर ईटिंग कर लिया हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो फास्टिंग विंडो है उसमें बहुत टाइम तो ये खाना डाइजेस्ट करने में ही चला जाता है, और फिर जो रेस्ट और रिज्यूविनेशन का टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम हो जाता है. इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के ईटिंग विंडो में आप बैलेंस डाइट लिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी.
वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या फायदे है, क्या नुकसान है, वो कैसे करना चाहिए, इसका सच में हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, इसकी वजह से एसिडिटी तो नहीं होती, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और हर एक क्वेश्चन का मैं जेन्युइनली आंसर दूंगी, एक्सपेरिमेंट करके आंसर दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एवरी फ्राइडे हम वीडियो डालते हैं, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिले। आपको जो भी क्वेश्चन है इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर पूछे। अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो दिल खोल के कीजिए क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने लगता है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, रीराइट योर माइंड एंड रिलीव योर लाइफ। थैंक यू।